गुड आफ्टरनून बीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण में। इसके पहले मैंने यांत्रिक लाभ को स्पष्ट किया था। अब देखिए यांत्रिक लाभ में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था जिसका नाम था पुल्ली, जिसे हम लोग जनरली वे में घिरनी कहते हैं। घिरनी आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे हम लोग घिरनी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोपवे आपने देखा होगा, रोपवे में जो डोली चलती है जिसमें लोग बैठ के जाते हैं वह एक घिरनी पट्टी की होती है और घिरनी के बेस पर ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। और जो रस्सी लगी रहती है वो एल्युमिनियम की लगी रहती है और वो रस्सी जो है बहुत बड़ी घिरनी से लगी रहती है और वो घिरनी को चलाती है। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे पहले जमाने में जो है कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग घिरनी का प्रयोग करते थे, बहुत सी चीज़ों के काम करने के लिए हम लोग घिरनी का प्रयोग करते हैं। तो पुल्ली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए, एक महत्वपूर्ण सरल मशीन के अंतर्गत भी आता है। अब देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया था, मैंने ये चीज़ बताया था कि जो सरल मशीन होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। तो मैंने उसमें भी जो है कई टाइप्स के बताए थे, जैसे एक मैंने बताया था उत्तोलक और दूसरा मैंने बताया था नत समतल। उत्तोलक को मैंने तीन हिस्से में डिवाइड किया था, प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्तोलक। अब देखिए घिरनी की श्रेणी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ था, फिर मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। घिरनी में जो है आयाम जिसे हम आलम्ब भी कहते हैं वो बिल्कुल बीच में रहता है और वजन भार होता है वो बाहर और पावर यानी कि आयास यानी कि शक्ति भी बाहर रहती है, अर्थात घिरनी जो होती है वो प्रथम टाइप का उत्तोलक होता है। अब देखिए इसका यांत्रिक लाभ कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, यांत्रिक लाभ बराबर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी। यांत्रिक लाभ बराबर W डिवाइडेड बाई P। W का मतलब वजन या फिर भार और P का मतलब पावर होता है या फिर हम इसे आयास भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाया हुआ है जो बिल्कुल अस्पष्ट है, एक मैंने यहाँ पर ये बनाया है और दूसरा यहाँ पे मैंने बनाया है, और जो ये बीच में लगा हुआ क्या है, ये घिरनी है। इस घिरनी की सहायता से इस वजन को लटकाया गया है। अब ये देखिए ये दूसरे टाइप की घिरनी है, इसमें भी इस वजन को लटकाया गया है और जब हम इसको खींचते हैं, इसको जब हम पुश करते हैं नीचे की तरफ दबाते हैं और इसमें ऊपर की तरफ उठाते हैं तो क्या होता है, वजन बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ उड़ जाता है और यहाँ पे भी जो है आसानी से जो है ये वजन ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इस प्रकार से पुल्ली होती है घिरनी फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सरल मशीन के समान काम करती है। एक देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, यदि कोई घिरनी काम कर रही है जिसमें पावर P बराबर 28 किलोग्राम 28 केजी हो, वेट 224 केजी यानी कि 224 केजी हो, तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा, W बाई P हो जाएगा यानी कि 224 डिवाइडेड बाई 28 इट विल बी इक्वल टू 8। यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग निकालना चाहते हैं कि यदि किसी क्वेश्चन में P दे दिया गया हो और W दे दिया गया हो तो हम कैसे निकालेंगे कि घिरनियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या आया है, यांत्रिक लाभ कितना आया है, यांत्रिक लाभ 8 आया है। अब घिरनियों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे 2 to the power n विल बी इक्वल टू 8 हो जाता है और यहाँ पे घिरनियों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ये छोटा सा क्वेश्चन पुटअप करता है या देता है तो जिसमें जो है पी दिया हो और डब्ल्यू दिया हो तो हम लोग यांत्रिक लाभ के फार्मूले से घिरनियों की संख्या को निकाल सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और इसमें आता है जो अंतिम पॉइंट है इसका, स्थिर घिरनी होती है और चल घिरनी होती है यानी कि फिक्स पुल्ली और मूवेबल पुल्ली होती है। अब इन दोनों में डिफर क्या होता है, अंतर क्या होता है, हम इससे समझ सकते हैं। देखिए पहला अंतर क्या होता है, जो स्थिर घिरनी होती है उसमें आलम्ब पर क्या होता है, स्थिर घिरनी बिल्कुल फिक्स होती है, बिल्कुल स्थिर रहती है, जबकि चल घिरनी
तरल घटी होती है वो क्या होती है, वह आलम पर गति करती है। सेकेंड पॉइंट है, घिरनी का उपयोग बल की दिशा में होता है, अर्थात जो स्थिर घिरनी होती है उसका उपयोग हम लोग बल की दिशा में करते हैं, जबकि चल घिरनी का उपयोग भारी बोझ को उठाने में करते हैं, यानी कि जो सामान बहुत ही वजनी होता है वहां पर जो है मूवेबल पुल्ली का यूज होता है। अब तीसरा डिफर क्या होता है, वेगानुपात, जो स्थिर घिरनी होती है उसका वेगानुपात कितना होता है, एक होता है, जबकि चल घिरनी का वेगानुपात दो होता है। धन्यवाद।